नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। माँ अपनी औलाद के लिए हर दुख सहन कर जाती है, पर हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। 19 वर्षीय महिला जैना फोलवेल ने अपने ही नवजात बेटे की हत्या कर दी। हैरानी की बात तो तब हुई जब उसने बच्चे को मारने के लिए तरीके को गूगल पर सर्च किया। इसके बाद महिला ने बाथटब में बेटे को डुबोकर मार दिया। मां ने बनाई झूठी कहानी। जेना ने बच्चे की हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए पुलिस को खुद फोन किया और बताया कि उसके बेटे को किसी ने पार्क में छीन लिया है। जेना ने दावा किया है कि वो उसे अपनी कार सीट में बिठा रही थी, इसी दौरान कोई पीछे से आया और उसके सिर पर एक बैग डालकर बच्चे को अपने साथ लेकर भाग गया। पुलिस को बच्चे का शव एक काले बैग के अंदर मिला था। पुलिस के अनुसार महिला ने बताया कि उसने अपने बेटे को चुप कराने के लिए उसे पानी में डुबो दिया। पुलिस ने बताया कि अधिकारियों ने जैना के फोन को जब्त कर दिया था, जिसकी वेब सर्च में पुलिस को 100 से अधिक विभिन्न वेब सर्च में तुरंत मरने के तरीके और गुमशुदा बच्चों के मामलों से संबंधित सर्च की जानकारी मिली। महिला ने यह भी सर्च किया था कि बच्चे को डूबने में कितना समय लगता है। पुलिस ने कहा कि जैना ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपनी कहानी बदल दी और अपहरण का एंगल दे दिया। महिला ने कहा कि उसने एक मिनट तक बच्चे को पानी में डुबो कर रखा था, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बच्चे को तुरंत पानी से निकालकर CPR देने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।